हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके सामने दो क्वेश्चन लिए हैं। 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे माइनस 1 प्लस 3 पे माइनस 2, इसको सरल करना है। इसको कैसे सरल किया जाता है आपको इसमें सिंपल तरीका से बताया गया है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, आपको कहीं पे किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर या किसी भी अंक पे आपको 0 पावर मिलता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। देखिए, जैसे x पे 0 पावर है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। या किसी संख्या पे ले लीजिए, जैसे 4 है, 4 पे 0 पावर है तो हमेशा इसका मान 1 होगा। ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका मान हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए x पे जैसे -पावर 1 है या किसी अंक हो, चाहे अक्षर हो, उस पर यदि माइनस पावर है, माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं कि 1/ उसको आप हर में भेज देंगे। x है तो -1 है तो +1 पावर हो जाएगा, अर्थात 1/x पे 1 पावर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, चाहे अंक हो, जैसे अंक में भी ले लेते हैं, जैसे -1 पावर है, इसको प्लस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 1/2 पे 1 पावर हो जाएगा। तो बस इतना बेसिक कंसेप्ट जो है फ्रेंड्स पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पे 0 प्लस 3 पे -1 प्लस 3 पे -2, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, अभी बताएं कि किसी अंक में जब 0 पावर होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, 1 लिख लीजिए। प्लस, इसको माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए इसको हर में भेजेंगे, 3 पे 1 पावर होगा। इसको प्लस बनाने के लिए हर में भेज दीजिए, 3 पे 2 पावर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है कि यहाँ पे 1 लिख लीजिए। प्लस 1/3 पे 1 पावर का मतलब कितना होगा, 1/3 होगा। प्लस 1/3 पे 2 पावर है तो तितली के 9 होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 1 ले लीजिए। देखिए, ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया था। अब भिन्न का जोड़ के हिसाब से इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिए, 1, 3 और 9 का लघुत्तम अपवर्तक निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ पे 3 और 9 का लघुत्तम अपवर्तक पहले निकालते हैं हर का। देखिए, 3 के 3, तितली के 9। देखिए, तितली के 9 यानी कि आपका कितना हो गया, 9 लघुत्तम समापवर्तक हो गया। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 1 है तो इसका यहाँ पे भाग देंगे, 1 का 9 भाग देंगे, कितना आएगा, 9, और 9 का अंश में गुणा करेंगे, 9 के 9 होगा, धन। 3 का भाग 9 में देंगे, कितने बार जाएगा, तितली के 9 3 बार, और 3 के इसके अंश में करेंगे, 3 के 3 होगा। 9 का भाग 9 में देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा इसके अंश में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 होगा। इसको आप जोड़ लीजिए। देखिए, आप इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, तो 9 और 3 12 1 13, यानी कि 13/9, जो यहाँ पे 13/9 आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 पे 0 पावर है प्लस 3 पे -1 पावर प्लस 6 पे -1 पावर, इसको हल कीजिए। देखिए, 2 पे 0 का मान बताएं आपका 1 होगा। प्लस 3 पे -1 का मतलब होगा, इसको हर में भेज दीजिए, 3 पे 1 पावर हो जाएगा। इसको भी हर में भेजिए, 6 पे 1 पावर होगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको पहले हल करते हैं। देखिए, 1 कीजिए यहाँ पे, 1/3 पे 1 पावर का मतलब हुआ 3 होगा, 1 और 6 पे 1 पावर तो आपका 6 मान होगा। अब इसका भी आप क्या कीजिए कि एलसीएम, हर का एलसीएम निकालिए, 1, 3 और 6 का एलसीएम आप निकालिएगा। देखिए, यहाँ पे निकाल देते हैं 3 और 6 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, 3 के 3, 3 दुना के 6, 2 एक 2, 3 दुना के 6, यानी कि एलसीएम आ गया आपका 3 दुना के 6। देखिए, आप 1 का भाग दीजिए 6 में, कितना आएगा आपका, 6, और 6 का गुणा इसके अंश में 1 में कीजिए, 6 के 6 होगा, धन। 3 का भाग 6 में दीजिए, 3 दुना के 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 के 2 होगा। 6 का भाग 6 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 के 1 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है, 6 2 8, 8 1 9, 9/6, यही इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। इस तरीक़े से हम पावर का
जो किसी संख्या पे पावर देता है उसको जोड़ना होता है, तो इसी तरीके से उसको हम जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।